सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रेमलता आज आपके सामने बीएड की कुछ चीजें लेकर के नहीं, मनोविज्ञान बीएड का एक पार्ट है, लेकिन मनोविज्ञान एक बनने वाले शिक्षाविद के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा है। तो मनोविज्ञान क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान को हमें रट के नहीं पढ़ना है। ये वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से आपको बार बार बताती हूँ कि मनोविज्ञान सोचने और समझने का विषय है, ये रटने का विषय नहीं है। मनोविज्ञान की नींव को आज से हम, मनोविज्ञान की जो नींव है हमारे अंदर, अपने अंदर जो है हम जमाने वाले हैं, उस नींव में हम छोटी छोटी चीजों को पहले शामिल करेंगे, उसके बाद हम उसको बड़ा रूप यानी विस्तार आकार देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि छोटे वीडियो में मैं आपको कुछ स्टोरी यानी कि कुछ कहानी सुना के या किसी एक जीवनी के माध्यम से, एक तरीके की ऐतिहासिक कथा के माध्यम से आपको आपका वीडियो, आपकी मनोविज्ञान की 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ क्लियर करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले तो हमें ये जानने की बड़ी आवश्यकता है कि मनोविज्ञान क्या है। ऐसे तो इंग्लिश वर्जन इसका है कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए स्टूडेंट्स, अपनी स्टोरी शुरू होती है यहां से कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द होंगे? वो साइकी प्लस लोगस। ठीक है स्टूडेंट्स, साइकी प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर ये बना है, जिससे साइकी का, देखिए स्टूडेंट्स, ये मनोविज्ञान जो शब्द है ये साइकी प्लस लोगस दो शब्द से मिलकर के बना है। लेकिन साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब यहां माना है अध्ययन, अध्ययन से और विज्ञान से। तो स्टूडेंट्स, हमें इस लोगस का मतलब, इससे मनोविज्ञान का मतलब निकल के आता है कि अपनी आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान को कहा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हम कहते हैं कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस से ली गई है, यानी कि मनोविज्ञान शब्द का जनक किसे माना गया है। तो मनोविज्ञान शब्द का जो जनक है वो दर्शन शास्त्र को माना गया है। एक बुक थी दर्शन शास्त्र नाम से, उस दर्शन शास्त्र 1590 ईस्वी में, दर्शन शास्त्र में साइकोलॉजी शब्द का यूज किया गया था, उपयोग किया गया था। उसके बाद मेरी जो पहली वीडियो आपके सामने आने वाली है उसमें कुछ नॉलेजेबल क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, लेकिन उन्हीं नॉलेज वाले क्वेश्चनों को आज हम डीपली अध्ययन करने वाले हैं। 1590 ईस्वी में से दर्शन शास्त्र में एक छोटा सा विषय मानते हुए उपयोग किया गया था, लेकिन ये एक अपना विषय, एक विकराल विषय जिसे कह सकते हैं, वो अपना धारण कर चुका है। कब? व्यवहार का विज्ञान जब 20वीं सदी में ये आया है तो व्यवहार का विज्ञान ये बन चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी साइकोलॉजी है ये सबसे पहले क्या थी, उसके बाद क्या थी, आज ये
बुक के अंदर हमें मनोविज्ञान शब्द को मिला है। मनोविज्ञान का शब्द का यूज सबसे पहले जो करने वाले हैं वो रोडाल, जिनका नाम है, इनका पूरा नाम है रोडाल्फ गोलकार। साइकोलॉजी के अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में साइकोलॉजी की उत्पत्ति लेटिन भाषा ग्रीक भाषा के दो शब्द जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, साइकी प्लस लोगस, इसमें बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, हम अब साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले क्या था, 1590 ईस्वी में इसका हमें उपयोग, 1590 ईस्वी से इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहले ये क्या था, आत्मा का विज्ञान था, उसके बाद क्या था, मस्तिष्क का विज्ञान था, उसके बाद क्या था, चेतना का विज्ञान था, आज ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ये सारी चीजें आज हमारे यहाँ क्लियर होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक डेफिनेशन के माध्यम से। अब मैडम ये सारी चीजें हमें याद कैसे रहेंगी, तो एक डेफिनेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है जो किसकी है, वुडवर्थ की। वुडवर्थ की जो डेफिनेशन है उसमें वुडवर्थ ने कहा है कि सबसे पहले प्राणी ने सबसे पहले क्या किया, आत्मा का त्याग किया, आत्मा को त्याग किया। ये आपकी जो ईस्टियों में जो बनी हुई है, अपन आत्मा का त्याग किया, तो आत्मा का विज्ञान क्या था, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। और उसके बाद इंसान ने दूसरा जो किया, ये वुडवर्थ की डेफिनेशन चल रही है, आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मस्तिष्क का त्याग किया, मस्तिष्क का त्याग किया 17वीं शताब्दी में। अब ये शताब्दियां भी आपको यहां याद रखनी है। देखिए आत्मा का विज्ञान कब था, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में उसने त्याग किया। और मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का मनोविज्ञान है, मस्तिष्क के मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में उसने त्याग किया। उसके बाद तीसरा जो हमारा आया कि चेतना का विज्ञान। देखिए स्टूडेंट, चेतना का विज्ञान का जो एरिया था, जो इसका रहने का समय था, वो कुछ ज्यादा था, यानी कि 19वीं शताब्दी तक ये क्या चला, और बची क्या 18वीं शताब्दी, यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी का हम यहाँ वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 19वीं जो शताब्दी थी उसके अंदर ये चेतना का विज्ञान था। और आज ये क्या है, 1, 2, 3 and 4, आज है ये व्यवहार का विज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, व्यवहार का विज्ञान इसे कब माना गया, 20वीं शताब्दी के अंदर। स्टूडेंट्स, आज मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ क्लियर होने वाले हैं। किस वुडवर्थ की ये डेफिनेशन थी, आपको ये भी याद रहेगा कि ये डेफिनेशन सबसे पहले आत्मा का त्याग, उसके बाद मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ ने ऐसा माना है। अब आपकी ये सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर है। अब ये जो कहानी यहाँ खत्म होती है, अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपके रीट में फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में, कोई भी किसी भी चीज के अंदर आपका अगर प्रश्न उठ के आता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द को कौन सी ईस्वी में, शताब्दी में यूज किया गया था, तो आप कहोगे कि मैडम ने 16वीं शताब्दी बताया था। नहीं, आपका गलत है, यूज तो 1590 ईस्वी से, और ये किसमें हुआ, किसमें, दर्शन शास्त्र में हुआ। नेक्स्ट आ जाता है कि बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं या ऊपर से नीचे से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कि आत्मा का विज्ञान इसे किसने माना। अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको कि आत्मा का विज्ञान किस सदी में माना, 16वीं सदी में, आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में किसने माना, अरस्तु, प्लेटो आदि आदि, यानी और भी थे, अरस्तु, प्लेटो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे कि ये किसका था, आत्मा का, ठीक है। अब आता है हमारा मस्तिष्क का।
कमेंट